देखिए जजेस के खिलाफ कंप्लेंट करने का और उस कंप्लेंट की तहकीकात होने का संविधान में बस एक ही तरीका बताया गया है कि इम्पीचमेंट मोशन हो और इम्पीचमेंट मोशन साइन करने के लिए 100 एमपी या 50 एमपी राज्यसभा के चाहिए होते हैं, उसके बाद फिर एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है और फिर वो इंक्वायरी करती है। जस्टिस रामास्वामी का जो केस हुआ था उसको देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट की एक चीफ जस्टिसेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 1997 में, उसमें एक जजेस के लिए कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाया गया और उसके साथ एक इन हाउस प्रोसीजर बनाया गया कि अच्छा अगर किसी जज के खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है तो वो चीफ जस्टिस को भेजी जाएगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर वो हाई कोर्ट के खिलाफ कंप्लेंट होगी तो सुप्रीम कोर्ट का एक जज और दो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिसेस की कमेटी बनाएगा इंक्वायर करने के लिए अगर कोई उसमें सीरियस चार्जेस दिखाई देते हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ होगी तो उसमें तीन सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कमेटी बनाई जाएगी। उस इन हाउस प्रोसीजर में ये नहीं लिखा गया कि अगर चीफ जस्टिस के खिलाफ कंप्लेंट होगी तब क्या होगा, लेकिन जाहिर है क्योंकि ये सवाल बार बार हिंदुस्तान में भी उठता रहा है, दूसरे देशों में भी उठता रहा है कि अगर चीफ जस्टिस के खिलाफ कंप्लेंट होगी तो जाहिर है कि वो चीफ जस्टिस उसको नहीं देख सकते और या तो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज के पास जाएगी या फिर उनसे जो सीनियर कोलिजियम ऑफ जजेस होगा उनके पास जाएगी। कोलिजियम का प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने जजेस के अपॉइंटमेंट वाले केस में इवॉल्व किया था जिसमें उन्होंने ये बोला था कि सिर्फ चीफ जस्टिस जजेस के अपॉइंटमेंट में सिर्फ चीफ जस्टिस को कंसल्ट करने के बजाय जो सीनियर पांच जजेस हैं कोलिजियम के उनको कंसल्ट किया जाए, उनके राय से जजों की नियुक्ति हो। तो कल हम लोगों ने एक कंप्लेंट, बहुत ही गंभीर कंप्लेंट है, चीफ जस्टिस के खिलाफ इन हाउस प्रोसीजर में जो सीनियर पांच जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के उनको भेजी है, मतलब चीफ जस्टिस के अलावा जो अगले पांच जजेस हैं नंबर 2, 3, 4, 5, 6 उनको भेजी है। आज सुबह से चीफ जस्टिस, क्योंकि चीफ जस्टिस के खिलाफ कंप्लेंट है तो इसलिए उनको तो जाहिर है नहीं भेजी जा सकती, आज सुबह से मेरे पास फ़ोन आने लगे हैं लोगों के कि भाई कंप्लेंट में क्या है, तो हम लोग ने तय किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका पूरा खुलासा ब्यौरा दिया जाए। इस कंप्लेंट में चार बहुत गंभीर चार्जेस हैं। पहला चार्ज तो ये है कि चाहे ये अभी प्रूव नहीं हुआ है कि चीफ जस्टिस इस मेडिकल कॉलेज वाला जो केस था जो वो हैंडल कर रहे थे, जिसके बारे में सीबीआई ने एक एफआईआर 19 सितंबर को रजिस्टर करी, उससे पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी 8 सितंबर को रजिस्टर करी थी, चाहे उसमें ये अभी तक जो तथ्य हमारे पास आए हैं उससे ये प्रूव नहीं होता है कि उसमें चीफ जस्टिस का इन्वॉल्वमेंट था कि नहीं था, जो एफआईआर में लिखा है कि वो कॉन्स्पिरेसी ये थी कि उस मेडिकल कॉलेज के लोग, कुछ बिचौलिए और एक रिटायर्ड जज उड़ीसा हाई कोर्ट के, इनके बीच में कॉन्स्पिरेसी हुई कि घूस देकर सुप्रीम कोर्ट में इस मेडिकल कॉलेज का जो एक केस था मेडिकल एडमिशंस को लेकर, उसको इन्फ्लुएंस करके फेवरेबल ऑर्डर लेने की ये कॉन्स्पिरेसी थी। जो तथ्य सामने आए हैं
चाहे उससे अभी ये नहीं एस्टैब्लिश होता कि चीफ जस्टिस उस कॉन्स्पिरेसी में शरीक थे कि नहीं थे, लेकिन इतने तथ्य सामने ज़रूर आ चुके हैं, तीन तरह के तथ्य, जिससे ये ज़रूर होता है कि भाई इसमें एक स्ट्रॉन्ग प्राइमा फेसी केस है जिसके वजह से चीफ जस्टिस का उसमें इन्वॉल्वमेंट था कि नहीं था उसकी एक जांच होनी चाहिए। ये पहला चार्ज है, मैं अभी उसको एलैबोरेट करूंगा। दूसरा चार्ज ये है कि इस केस में क्योंकि चीफ जस्टिस खुद इन्वॉल्व थे और चार्ज सीबीआई की एफआईआर में ये था कि उन्हीं को या उन्हीं के बेंच को इन्फ्लुएंस करने के लिए, फेवरेबल जजमेंट लेने के लिए ये घूस देने की पूरी तैयारी करी गई थी, तो वो उस केस से या उससे कनेक्टेड केस से डील नहीं कर सकते थे, चाहे वो जुडिशियल कैपेसिटी में चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में, और अगर वो केस उनके सामने आता तो उनको रिक्यूज कर लेना चाहिए था, लेकिन इसके विपरीत उन्होंने उस केस को जुडिशियली भी हैंडल किया, जो केस हम लोगों ने फाइल किया था कि भाई इसमें सीबीआई के पास इन्वेस्टिगेशन छोड़ने से तो बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की और चीफ जस्टिस की इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है उससे उनको ब्लैकमेल करके, और इस वजह से ये ज़रूरी है कि इसका इन्वेस्टिगेशन एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी के द्वारा हो। लेकिन उस केस को चीफ जस्टिस ने जुडिशियल साइड में भी हैंडल किया, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में भी हैंडल किया, क्योंकि उसमें पहले जस्टिस चलमेश्वर ने ऑर्डर किया था कि भाई 5 जजेस जो सीनियर जजेस हैं उनकी खंडपीठ में इसकी सुनवाई होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। उसको उन्होंने उस ऑर्डर को रद्द करके और फिर 3 जूनियर जजेस के सामने ये केस लगा दिया। ये दूसरा मिसकंडक्ट का चार्ज है। उसके बाद 8 नवंबर को जब जस्टिस चलमेश्वर के कोर्ट में इस केस की, कामिनी जायसवाल वाले केस की हियरिंग हो रही थी, तो एक रजिस्ट्रार दौड़ के उनके कोर्ट में आया एक मेमो लेकर, जो कि जस्टिस चलमेश्वर के ऑर्डर में उस मेमो को एनेक्स किया गया है, जिसमें ये लिखा था कि भाई अगर कोई मैटर चीफ जस्टिस को छोड़ के किसी और कोर्ट नंबर 2 में मेंशन होता है, जो कि रूल्स में लिखा गया है, क्योंकि अगर चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में है तो कोर्ट नंबर 2 में मेंशन होना होता है, अगर वहाँ मेंशन हुआ है तो वो बेंच कोई बेंच नहीं बना सकती कि कहाँ वो लगेगा, और उस बेंच को तो सिर्फ चीफ जस्टिस को रेफ़र करना होगा कहाँ लगाया जाए। ये मेमो जो है उस समय उनके पास भेजा गया उस समय, और इसके साफ प्रमाण हैं, सर्कमस्टांसेस हैं जो ये दिखाते हैं कि ये मेमो 8 तारीख को ही लिखा गया, लेकिन इसकी बैक डेट करके ये दिखाया गया कि ये 6 तारीख, उसमें 6 तारीख की डेट डाल दी गई, जो कि एक एंटी डेटिंग और फोर्जरी का मामला है। चौथा चार्ज एक पुराने केस को लेकर है, जिसके प्रमाण हम लोगों को कुछ महीने पहले मिले थे। उन्होंने जब वो वकील थे उड़ीसा में, तो एक सरकार से एक लैंड अलॉट करवाया था जो कि एक फॉर्डर बैंक के लिए, और उन्होंने उसके लिए एक हलफनामा दिया। पहले तो एक एप्लीकेशन में तो ये लिखा कि उनकी फैमिली एग्रीकल्चरल लैंड, कई एकड़ एग्रीकल्चरल लैंड ओन करती है, पर हलफनामे में ये लिख दिया कि ना तो वो ना उनकी फैमिली कोई एग्रीकल्चरल लैंड ओन करती है, तो वो झूठा हलफनामा दिया गया, उस आधार पर अलॉटमेंट हुआ, और बाद में उसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या एसडीएम ने ये पाया कि ये फ्रॉडुलेंट एफिडेविट देकर ये अलॉटमेंट किया गया है, उस अलॉटमेंट को कैंसिल किया गया, और कैंसिल करने के बाद भी उस
लैंड का पोजीशन ऐसा लगता है कि बहुत साल तक सरेंडर नहीं किया गया और सरेंडर 2012 में किया गया. अलॉटमेंट तो बहुत साल पहले हुआ था, कैंसिल भी बहुत साल पहले हो चुका था. ये चौथा चार्ज है. अब मैं पहले चार्ज के बारे में, क्योंकि वो पहला और दूसरा चार्ज सबसे गंभीर चार्ज हैं, पहला दूसरा तीसरा, एक्चुअली चारों चार्ज बहुत गंभीर हैं, मैं पहला चार्ज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है उसको समझाना चाहता हूँ कि क्यों इसकी ज़रूरत है कि ये मेडिकल कॉलेज केस में चीफ जस्टिस का उस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्वमेंट था कि नहीं था, इसका एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए. क्यों ये ज़रूरी है? देखिए, पहली बात तो ये देखिए कि ये सब हम लोगों ने लिखा है, मैं आपको समझा देता हूँ कि ये केस किस तरह से चला. पहले एक पिटीशन उस मेडिकल कॉलेज ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी. सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये आदेश दिया कि सरकार ने परमिशन रिफ्यूज़ कर दी थी उस मेडिकल कॉलेज को, प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट के मेडिकल कॉलेज को, कि इस साल आप एडमिशन नहीं कर सकते, अगले साल भी नहीं कर सकते. उन्होंने रिट फाइल करी, रिट में एक जनरल ऑर्डर हुआ कि सरकार फिर से इसको एग्जामिन कर ले और फिर से पुनर्विचार करके तय करे. सरकार ने पुनर्विचार करके तय किया कि नहीं, हम यही बरकरार रखेंगे, नहीं इनका एडमिशन हो सकता. फिर से प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट ने पहले सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करी. उस पिटीशन को 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने परमिट कर दिया कि तुम विड्रॉ करके हाई कोर्ट चले जाओ. अब उस तरह की बहुत सारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज उसी स्थिति में थे, लेकिन फिर भी इस केस में उन्होंने बोला कि तुम विड्रॉ करके हाई कोर्ट चले जाओ. हाई कोर्ट ने अगले दिन ही एक ऑर्डर दे दिया कि नहीं, इनका एडमिशन प्रोसेस जारी रहे और इनकी बैंक गारंटी भी इनकैश ना करी जाए, क्योंकि 2 करोड़ की बैंक गारंटी भी इनकैश होनी थी सरकारी और मेडिकल काउंसिल के ऑर्डर के तहत. इस पर सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुआ है वो ये दिखाता है कि ये ऑर्डर जो हाईकोर्ट से इन्होंने लिया, इसमें इन्होंने घूस दी. ये सब चीज़ें सामने आई. सीबीआई ने कुछ इंटेलिजेंस की वजह से फ़ोन टैप कर रखे थे, उनके पास उस फ़ोन टैप से ये पता लगा कि शायद 1 करोड़ रुपया उस हाईकोर्ट जज को दिया गया उस ऑर्डर के लिए. खैर, अगले दिन मेडिकल काउंसिल सुप्रीम कोर्ट आ गई और सुप्रीम कोर्ट ने 29 तारीख को, अगले दिन या अगले 2-3 दिन में, 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें यह लिखा है कि मेडिकल काउंसिल का, सॉरी, इस प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट के जो वकील हैं मुकुल रोहतगी, उन्होंने ये बोला है कि वो हाई कोर्ट के ऑर्डर का और कोई फ़ायदा नहीं चाहते सिवाय इसके कि उनकी बैंक गारंटी इनकैश ना करी जाए. उस आधार पर जो हाईकोर्ट में रिट पिटीशन इनकी पेंडिंग थी मेडिकल कॉलेज की, उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिया 29 तारीख को. लेकिन आश्चर्य की बात है कि उसको डिस्पोज ऑफ करते हुए ये बोल दिया कि ये लोग फिर से सुप्रीम कोर्ट में फ्रेश रिट पिटीशन, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 की रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं. और फिर वो आर्टिकल 32 की पिटीशन फाइल करी गई और उसमें 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया. सीबीआई के पास जो टैप्ड कॉन्वर्सेशंस थे उसमें 2 चीज दिख रही थी. पहला तो ये कि उस हाईकोर्ट जज को 1 करोड़ रुपए दिए गए और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर एक तरह से विड्रॉ कर लिया 29 तारीख को, हाईकोर्ट का ऑर्डर, तब फिर उस जज से 1 करोड़ रुपए वापस मांगे गए. ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो रजिस्टर करी सीबीआई ने 8 सितंबर को, उसमें लिखा है. लेकिन उससे पहले जो हमारी जानकारी, जो पुख्ता जानकारी हमारी है, जो हमने इस कंप्लेंट में लिखी है,
6 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से सीबीआई की टीम मिली और उन्होंने परमिशन मांगी चीफ जस्टिस से कि भाई हमको हाई कोर्ट, देखिए हमारे पास ये पूरी इन्फॉर्मेशन है, पूरा पुख्ता इन्फॉर्मेशन है कि उस हाई कोर्ट जज ने 1 करोड़ रुपया लिया, अब वो वापस करने वाला है, कल वापस करेगा 7 तारीख को, और हमको परमिशन दी जाए उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करने की ताकि हम उसको रंगे हाथ पकड़ लें। लेकिन वो परमिशन चीफ जस्टिस ने मना कर दी एफआईआर रजिस्टर करने की। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जो कहता है कि किसी भी सिटिंग जज के खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती जब तक कि चीफ जस्टिस परमिशन ना दे दे। वो परमिशन चीफ जस्टिस ने 6 तारीख को रिफ्यूज़ कर दी, जिसकी वजह से सीबीआई उसको रंगे हाथ नहीं पकड़ पाई और उन्होंने फिर एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रजिस्टर करी, एफआईआर नहीं रजिस्टर कर पाए और फिर जाकर उन्होंने 19 तारीख को एफआईआर रजिस्टर करी, वो भी सिटिंग जजेस के खिलाफ नहीं, एक रिटायर्ड जज और कुछ बिचौलियों के खिलाफ। इस बीच में अब ये इम्पॉर्टेंट है, 4 तारीख को उसकी जो फ्रेश रिट पिटिशन थी उस मेडिकल कॉलेज की, वो 4 तारीख को उसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया और 11 तारीख की डेट लगा दी अगले सोमवार की। और इस बीच के जो कॉन्वर्सेशंस हैं 3 और 4 तारीख के, जिसका ट्रांसक्रिप्ट इस हमारी कंप्लेंट में लगा है, उस ट्रांसक्रिप्ट से बहुत सारी चीज़ें साफ हो जाती हैं कि क्या बात हो रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, क्या करने की बात हो रही है। ये लोग आपस में, ये बातचीत है, मेडिकल कॉलेज का एक अफसर है यादव, एक रिटायर्ड जज हैं उड़ीसा के कुद्दूसी, और एक बिचौलिया है विश्वनाथ अग्रवाल। विश्वनाथ अग्रवाल ऐसा लगता है कि उस बिचौलिए का काम कर रहा था, जो एटलीस्ट ये क्लेम कर रहा था कि मैं डायरेक्टली चीफ जस्टिस से बात कर रहा हूँ और आपका काम हो जाएगा। अब अगर आप इसमें देखें तो पेज नंबर 10 पर हमने कुछ उसके एक्सट्रैक्ट्स लिख रखे हैं, जो कॉन्वर्सेशन सीबीआई ने रिकॉर्ड करे हैं। पेज नंबर 10 पर जो पहला कॉन्वर्सेशन है 3 तारीख का, उसमें ये लिखा है, ये वी इज विश्वनाथ अग्रवाल, वो कह रहा है, यस आई थिंक इन विच इज देयर्स, इन विच टेम्पल इज इट, टेम्पल ऑफ अलाहाबाद और टेम्पल इन दिल्ली, मतलब कि इलाहाबाद के मंदिर में है कि दिल्ली के मंदिर में है, हिंदी में था, इसका ट्रांसलेशन है ये। आखिर में वो कह रहा है विश्वनाथ अग्रवाल, यस यस, इन दैट यू सी दिस वन थिंग 100%, our person who is our captain, it is being done through the captain, so what is the problem, tell me, ये काम हमारे captain के ज़रिए हो रहा है, इसमें अब क्या problem है, आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नीचे जो लिखा है last line पर, वो कहता है, he knows we people say 200 bahi, 500 bahi, you tell me 500 gamla, वी विल से 200 गमला देर, 100 गमला वी विल गिव, 100 वी विल गिव लेटर। अब ये साफ है कि पैसों की बात हो रही है, जैसे कि लोग बात करते हैं खोखा पेटी, उसी तरह से यहाँ गमला वगैरह। फिर आखिर में अगले पेज में विश्वनाथ अग्रवाल कह रहा है, नाउ ओनली वन थिंग फादर इज सेइंग, वन थिंग ही इज सेइंग इज दिस कैप्टन ऑफ आवर्स हैज़ ऑल ओवर इंडिया, वट एवर वर्क देर इज़ ही इज़ विलिंग टू डू। साफ जाहिर है कि रेफरेंस किसको है, किसके लिए है। उसके बाद 4 तारीख का जो कॉन्वर्सेशन है, आप देखिए 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेश रिट पिटिशन में नोटिस इशू कर दिया और मेडिकल काउंसिल से बोला तुम इसका जवाब दो, और 11 तारीख को लगा दिया। अब 4 तारीख का एक कॉन्वर्सेशन है, 11 पेज 11 पर बीच में कुद्दूसी कह रहे हैं, दे से दे फाइल्ड देयर पिटिशन टुडे, दे हैव गिवन अ डेट फॉर मंडे, बिल्कुल उससे टैली करता है कि उन्होंने 4 तारीख को नोटिस इशू करके अगले मंडे 11 तारीख को लगा दिया। दे आर आस्किंग व्हेन, हाउ मच विल इट बी, एंड सेकेंडली हाउ दे कैन बिलीव देयर वर्क विल बी डन फॉर श्योर।
ये विश्वनाथ अग्रवाल से बात हो रही है. उसके बाद आखिर में यादव कह रहा है, सो दैट डे आई हैड गॉन टू द हाई कोर्ट बिकॉज सी ब्रदर व्हाट टाइम ऑन इन इट मनी वॉज स्टक. हाईकोर्ट पहले गए थे, हाईकोर्ट में 1 करोड़ रुपए दिया था, हाईकोर्ट से फेवरेबल ऑर्डर ले लिया था पहले. 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने वो रिवर्स कर दिया और बोल दिया कि तुम डायरेक्टली हमारे पास आओ. वो कह रहा है कि हमारा पैसा अटक गया है. नो आई स्पोक सेड वेरी क्लियरली दैट्स वाई वी वेंट फ्रॉम देयर ही गेव एन ऑर्डर आफ्टर कमिंग हियर दे डिसमिस्ड इट. मतलब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हाईकोर्ट का ऑर्डर विड्रॉ कर लिया. देन दे सेड फाइल अ फ्रेश रिट पिटिशन. उन्होंने बोल दिया कि फ्रेश रिट पिटिशन फाइल करो, डायरेक्टली हमारे पास फाइल करो. अंडर 32 अ फ्रेश रिट हैज बीन फाइल्ड. इट हैज अ डेट सेट. द डेट वॉज पुश्ड टू द 11th बाय देम. सो वॉट वी वॉन्ट इज दैट टुमारो वी मेक योर टिकट एंड फॉर दैट सॉरी विश्वनाथ जी विल गिव इट टू यू. नाउ गेट आवर वर्क डन फॉर अस. ये मतलब मेडिकल कॉलेज का अफसर कह रहा है उनसे. उसके बाद विश्वनाथ अग्रवाल कहता है, नो वर्क इज नॉट इवन 100% बट 500% गारंटी. बट द लगेज विल हैव टू बी गिवन बिफोर एंड ही दे इज आर सेइंग नो टू मीटिंग बिकॉज द गवर्नमेंट दैट इज गोइंग ऑन टी सेलर्स गवर्नमेंट दैट इज वॉचिंग एवरी वन दैट इज द प्रॉब्लम. कह रहा है मिल नहीं सकते क्योंकि ये चाय वाले की सरकार चल रही है, वो सबको देख रही है, इसलिए बड़ी प्रॉब्लम है उसकी. फिर यादव कह रहा है, नो प्रसाद विल बी नीडेड. वी विल गिव प्रसाद. वी हैव टू गिव द प्रसाद. कि हम प्रसाद देने के लिए तैयार हैं मंदिर में. वर्क विल बी डन 100% विश्वनाथ अग्रवाल कहता है, बट आई वॉन्ट गो टू स्पीक टुमारो और डे आफ्टर. यू कीप द लगेज स्टफ रेडी. If given, we people will get it done 100%. बीच में देखिए थोड़े और नीचे आइए. विश्वनाथ कह रहा है, नो देर इज नो प्रॉब्लम. वी विल गेट द वर्क डन. फिर कहता है, नो दे सेड फॉर वन. आई हैड स्पोकन फॉर वन. दे सेड 3, 2.5 हैज टू बी गिवन. 50 विल बी केप्ट विथ अस. यानी कि सीधी बात हो रही है कि भाई हमने बोला था 1, पर उन्होंने बोला कि नहीं 3.5 उनको देना होगा, 50 हम रखेंगे. उसके बाद आगे अगले पेज पर 4-6 लाइन छोड़ के विश्वनाथ अग्रवाल कह रहा है, यस वी हैड स्पोकन लास्ट टाइम ऑल्सो सर. फॉर वन दे वर आस्किंग फॉर 3. इफ 3 इज गिवन टोटल विल बी अलाउड टू आस्क फॉर दोज प्रेयर्स. आई टोल्ड हिम ही वॉज टॉकिंग अबाउट 5 एट दैट टाइम. They were speaking of 15 bricks. Even last time they were speaking only about that. Akhir mein Vishwanath Agarwal keh raha hai, date is 11th. So if it can reach us by 6th, 7th, we will get it done. Your work will be done by the 11th. Yadav, do it within 2.5. Yaar, my capacity is only till 2.5. Get it done. So ye jo conversations hain, isse ye saaf hai. ये बात तो बिल्कुल सीधी सीधी चीफ जस्टिस को पैसा देने की हो रही है. अब मैं ये नहीं कहता कि इसका ये मतलब है कि चीफ जस्टिस इसमें इन्वॉल्व थे. हम लोगों ने भी इसमें ये लिखा है कि इसका सीधा सीधा ये मतलब नहीं लगाया जा सकता कि चीफ जस्टिस इसमें इन्वॉल्व थे. लेकिन अगर आप सीक्वेंस देखें कि किस तरह से ये केस प्रोसीड किया, उसमें कई अजीबोगरीब चीज़ें हुई. कि पहले उनको परमिशन दे दी हाईकोर्ट जाने की, हाईकोर्ट में फिर इस तरह का ऑर्डर हो गया, वो विड्रॉ कर लिया, लेकिन फिर से उनको परमिशन दे दी सुप्रीम कोर्ट आने की. सुप्रीम कोर्ट में नोटिस भी इशू कर दिया, अगली डेट लगा दी 11, फिर अगली डेट लगा दी 18, और 18 तारीख का भी जो फाइनल ऑर्डर जो दिखाया जा रहा है वो एक्चुअली वेबसाइट पर अपलोड होता है 21 तारीख को, जबकि 19 तारीख को CBI अपनी FIR रजिस्टर कर लेती है और रेड करती है, जिसमें 2 करोड़ रुपया बरामद भी किया जाता है इन बिचौलियों के पास से. सवाल यह है कि ऐसे केस में क्या ये कहा जा सकता है कि भाई इसमें तो कोई जज का इन्वेस्टिगेशन होना ही नहीं है, होने की जरूरत ही नहीं है. और जब CBI चीफ जस्टिस के पास गई कि भाई हमारे पास पूरा सबूत है कि इन्होंने हाईकोर्ट के जज ने शुक्ला ने 1 करोड़ रुपए लिए हैं और वो वापस करने वाले हैं और हमको FIR दर्ज करने दीजिए,
जिससे कि हम उनको रंगे हाथ पकड़ सकें, तो वो क्यों डिनाई की करी गई परमिशन? तो जाहिर है कि इसमें जजेस का इन्वेस्टिगेशन होने की ज़रूरत है। और हम लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों गए थे? हमने बोला कि भाई ऐसे केस में एक बहुत बड़ा खतरा ये पैदा हो जाता है कि सीबीआई के पास अगर ये सारे सबूत हैं तो सीबीआई के ज़रिए सरकार चीफ जस्टिस को ब्लैकमेल कर सकती है, और इस वजह से ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के हाथ में नहीं रहना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक इंडिपेंडेंट एसआईटी के हाथ में ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए थे। और उस केस को चीफ जस्टिस ने खुद डील कर लिया। हमने उनसे बोला कि भाई इस केस में आपका इन्वॉल्वमेंट है, आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आप इसको मत डील करिए, सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी की साख खत्म हो जाएगी, आप मत डील करिए। लेकिन नहीं माने, उन्होंने डील किया जुडिशल साइड में, और जो ऑर्डर जस्टिस चलमेश्वर का था कि सीनियर मोस्ट 5 जजेस की खंडपीठ में लगाया जाए, उसको काउंटरमांड किया सबसे पहले, और उसके बाद अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यूज करके 3 जूनियर जजेस के सामने लगा दिया, और उन 3 जूनियर जजेस ने पिटिशन खारिज कर दी और 25 लाख की पेनल्टी लगा दी। यानी अब बताइए कि इन्वेस्टिगेशन जजों का कैसे होगा? एक तरफ आप सीबीआई को परमिशन नहीं दे रहे कि आप जज के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं, तो सीबीआई तो जजों का सिटिंग जजों का इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, वो तो सिर्फ और लोगों का कर सकती है। ये दूसरी बात है कि और लोगों का इन्वेस्टिगेशन करने में भी उनको सबूत मिल जाए जजों के, सिटिंग जजों के खिलाफ, लेकिन फॉर्मली सिटिंग जजेस का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई नहीं कर सकती और उनको अरेस्ट भी नहीं कर सकती जब तक परमिशन ना ले लें। अब मान लीजिए चीफ जस्टिस के खिलाफ वीरा स्वामी जजमेंट में लिखा है कि चीफ जस्टिस के खिलाफ सरकार नंबर 2 जज से परमिशन या किसी और जज से परमिशन ले सकती है, और परमिशन लेने के बाद अगर उनके पास सबूत हैं तो उनको अरेस्ट भी कर सकती है। तो इतना बड़ा खतरा जिससे कि न्यायपालिका की चीफ जस्टिस की इंडिपेंडेंस खत्म करी जा सकती है उनको ब्लैकमेल करके, उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, और उन्होंने बोला नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है एसआईटी की, कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि सीबीआई भी इन्वेस्टिगेशन ना कर पाए सिटिंग जजेस का, एसआईटी भी ना बनाई जाए, तो इन्वेस्टिगेशन होगा कैसे? क्या कोई कह सकता है कि ऐसे सर्कमस्टांसिस में जजों का इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? तो ये 2 चार्ज रिलेटेड हैं। पहला तो ये कि भाई इस केस में उनका इन्वॉल्वमेंट था कि नहीं कॉन्स्पिरेसी में, उसका इन्वेस्टिगेशन तो कम से कम होना चाहिए, और इन हाउस कमेटी में इन्वेस्टिगेशन वो ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरा कि भाई आपने अपना जुडिशल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का दुरुपयोग करके उस केस से डील किया, और उस केस में सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी भी नहीं बनने थी। तीसरा कि आपने वो जो मेमो, देखिए वो मेमो जो भेजा गया जस्टिस चलमेश्वर के कोर्ट में 8 नवंबर को, वो इसलिए बैकडेटेड दिख रहा है क्योंकि उसमें 6 नवंबर की डेट डाल दी गई। 3 सर्कमस्टांसेस हमने लिखे हैं। पहला तो ये कि उस मेमो में ही लिखा है कि ऑलरेडी चीफ जस्टिस ये ऑर्डर्स इशू कर चुके हैं जो उस मेमो में लिखे जा रहे हैं। अगर ऑलरेडी ऑर्डर्स इशू कर चुके थे तो उस मेमो की ज़रूरत क्या थी? दूसरा, अगर वो मेमो जज नंबर 2 के लिए था जिनके पास मेंशनिंग होती है अगर चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में बैठे हों, तो जज नंबर 2 को क्यों नहीं पहले भेजा गया वो मेमो? क्योंकि साफ है कि जब जस्टिस चलमेश्वर के सामने आया वो मेमो, उनको तो नहीं पता था ऐसा मेमो है, उन्होंने अपने ऑर्डर में बोल दिया कि इसको भी एनेक्स कर दो। तीसरा कि उसी दिन
कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो बैठी थी सडनली 12 बजे उठ गई और 12:50 पर ये मेमो जो है जल्दी से रजिस्ट्रार दौड़ा दौड़ा लेकर आया कोर्ट नंबर 2 में। इससे ऐसा लगता है कि वो बैकडेटेड मेमो है जिसमें तहकीकात होनी चाहिए। और चौथा चार्ज वो लैंड उनके लैंड अलॉटमेंट का था जिसमें उन्होंने जाहिर है कि एक झूठा एफिडेविट दिया, वो माना भी गया कि झूठा है, उसके आधार पर अलॉटमेंट कैंसिल भी कर दिया गया। वो चार्ज तब का है जब वो लॉयर थे। देखिए सौमित्र सेन वाले केस में भी जो इम्पीचमेंट हुआ सौमित्र सेन का, जो कलकत्ता के जज थे, वो इस आधार पर हुआ कि जब वो वकील थे तो उन्होंने मिसकॉन्डक्ट किया था, उस आधार पे भी हो सकता है। तो इसलिए वो चार्ज भी गंभीर चार्ज है। ये चार्जेस हैं। देखिए अब हो क्या सकता है, चाहे इन हाउस प्रोसीजर में साफ साफ नहीं लिखा है कि अगर चीफ जस्टिस के खिलाफ चार्ज हो तो क्या होगा, लेकिन तमाम इस तरह के जजमेंट्स हैं, तमाम प्रेसिडेंट्स हैं जो ये कहते हैं, चाहे वो कि जब चीफ जस्टिस के खिलाफ कंप्लेंट हो तो दूसरे जज के पास भेजा जाता है। हम लोगों ने इसमें सब रिप्रोड्यूस भी करे हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि भाई एक चीफ जस्टिस के बजाय कोलिजियम होना चाहिए, इस वजह से हम लोगों ने 5 जजेस को भेजा है। अब बाकी तो मेरी राय में ये 5 जजेस मिलकर इस पर इंक्वायरी करा सकते हैं इन हाउस प्रोसीजर में, और बाकी तो खैर इम्पीचमेंट वगैरह तो एमपीज वगैरह के हाथ में होता है, वो लोग जो करें जो तय करें वो तो अलग बात है, लेकिन हम लोगों ने तो कंप्लेंट इसलिए भेजी है कि इसमें एक इन हाउस इंक्वायरी होने की ज़रूरत है।